जी ये वही बैट है जिससे मैंने वर्ल्ड कप। अच्छा ये फिर तो मैं जरूर मैं भी इसको पकड़ना चाहूंगी। ये सिर्फ मैं मैच पे निकालता हूँ ना प्रैक्टिस करता हूँ। इससे बैट बनाना मैच के लिए बड़ा मुश्किल है। कोई भी मांगे आप नहीं दे सकते। इंटरनेशनल वन डे डेब्यू कैप थे अजहर महमूद मुझे दे रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पाक टीवी डॉट टीवी से मैं हूँ आपकी होस्ट शहनाज महमूद। तो जनाब आज हम वर्ल्ड कप के हीरो क्रिकेटर आसिफ अली के घर पे मौजूद हैं। फैसलाबाद में हम आए हैं। ये रिसाला रोड गुलशन इकबाल कॉलोनी में उनका ये खूबसूरत सा नया आशियाना है जो हाल ही में उन्होंने बनाया है। समनाबाद में रहा करते थे लेकिन यहाँ पे अब शिफ्ट हो गए हैं। तो आइए आज हम आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। तो घर के बाहर रिसेप्शन में हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली के वालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल जी? ठीक है जी, लोहिराम। तो आपको पहले तो बहुत सारा मुबारकबाद हो कि आसिफ अली जो है हर एक के दिल की धड़कन बन चुके हैं। यकीनन इसमें आपकी दुआएं शामिल हैं। तो घर के अंदर भी आप यकीनन हमें लेके जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि आपकी दिन रात की दुआओं का नतीजा है, जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया है? बस मालिक की रहमत दे नाल ही है सारा किस्सा कहानी। बाकी साडियां दुआएं है आ जी, अल्लाह नु कामयाब करे ते अल्लाह तआला नु फार्म करन दी तौफीक देवे ते हिम्मत करे। PSL में भी जा रहे हैं, PSL में भी खेल रहे हैं। हां PSL वास्ते अच्छा खेले साडी दुआ वा जी। तो जनाब इस वक्त हम आसिफ अली के ड्राइंग रूम में मौजूद है जहाँ पे एक पूरी स्पोर्ट्स गैलरी नज़र आ रही है जिनमें आसिफ अली का तमाम के तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ख़ास है। सारी चीज़ें मेरे लिए ख़ास है क्योंकि जो चीज़ें लगाई हैं वो मैंने ख़ास हैं तो लगाई हैं। ये मेरी तस्वीर जो है ये हमने 2018 में PSL चैम्पियन हुए थे वो है। वो मेरी जो मुझे इंटरनेशनल वन डे डेब्यू कैप थे अजहर महमूद मुझे दे रहे थे वो उसकी तस्वीर है। और बाकी ये वाला जो है ये स्पोर्ट्स ऑफ स्पिरिट का अवार्ड था, ये जो ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला PSL का जी जी। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी कारकर्दगी की हैं वही हैं। और ये एक हमें बल्ला नज़र आ रहा है, ये बैट या ये बैट ये प्लेयर्स के जो मेरी टीममेट के और कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साइन किया हुआ बैट है वो इधर लगाया हुआ है। और कुछ और भी हमें यहाँ पे ये PSL 2019 का जो मैन ऑफ द मैच था वो उसकी ये ट्रॉफी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्ड कप की जो इस दफ़ा जो मैन ऑफ द मैच हुआ था अफगानिस्तान वाले मैच में उसकी है। और बहुत सारी हैं ये यहाँ पे हमें काफ़ी मेडल्स भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा ये तो मिनी बैट मेडल्स ये PCB के ही हैं सारे जो पाकिस्तान सीरीज़ के जो हम चैम्पियन हुए हैं उसमें देते थे। तो ये मेरी तस्वीर जो है ये 2019 का वर्ल्ड कप जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें वो थी। तो ये बाकी ये कार्ड वगैरह जो स्टेडियम के बनते हैं प्लेयर जी जी बिल्कुल सारा मतलब सारी का सारा आपने मैंने जाया नहीं किया, मैंने यहाँ पे लगा दिया कि क्यों जाया करना। अच्छा एक ही साइड पे भी हमें ना तमाम फोटोज नजर आ रही हैं, किस किस इवेंट की कब कब की हैं? ये पाकिस्तान कप की है जब मेरा 2018 में डेब्यू हुआ था वनडे में ये रेड वाला जी। तो ये मैं पाकिस्तान कप खेला था तो इसकी परफॉर्मेंस पे भी मैं वनडे कप खेला वनडे का डेब्यू हुआ था। ये भी वही PSL चैम्पियन हुए थे 18 में। ये 19 का पाकिस्तान कप है, ये हम मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते थे ये और ये वाली दुबई में। और वो जो है वो 2019 की 18 की वो है तस्वीर। और ये हम वर्ल्ड कप से पहले थी, वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड में जब हम प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ था हमारा, ये जो ये सारा ये ग्रीन वाला जी ये वो थी वो ऑस्ट्रेलिया। और ये वाली तस्वीरें सेम है। तो वो जो पहली है ब्लू शर्ट और रेड में जी जी। वो मेज़ांजी सुपर लीग है साउथ अफ्रीका में जब पहली दफ़ा गया था लीग खेलने। अच्छा ये मुझे बैट जो बल्ला है ना ये कुछ खास लग रहा है, इसके बारे में बताइएगा। जी ये वही बैट है जिससे मैंने वर्ल्ड कप। अच्छा ये फिर तो मैं ज़रूर मैं भी इसको पकड़ना चाहूँगी ताकि मुझे भी ये एजाज़ हासिल हो कि मैंने जनाब वो बल्ला पकड़ा है जिसने बल्ले बल्ले करवा दी थी और छक्के पे छक्का मारा था। तो ये वो तारीखी बल्ला है। अच्छा कभी आप ये वाला बल्ला जो है अपना नीलाम करना चाहें, कभी आपने सोचा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैट बनाना मैच के लिए बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि जब आप कोई बल्ला आपके हाथ पे आ जाए तो फिर उसको मतलब आप
कोई भी मांगे आप नहीं दे सकते जब तक वो टूट ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मैं मैच पे निकालता हूँ ना, प्रैक्टिस करता हूँ, इससे सिर्फ डायरेक्ट मैच पे जाता हूँ अपने बैट से।